नमस्कार, मैं प्रिया धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। यूक्रेन युद्ध के 3 महीने बीतने के बाद आखिरकार रूस को युद्ध में निर्णायक बढ़त मिलती दिख रही है और करीब 3 महीने के कठिन संघर्ष के बाद यूक्रेन युद्ध में न सिर्फ हार की तरफ बढ़ रहा है बल्कि ऐसा लगने लगा है कि यूक्रेन अब अपना पूर्वी हिस्सा गंवा देगा। 24 मई को यूक्रेन में एक जनमत सर्वेक्षण कराया गया जिसमें पूर्वी यूक्रेन के 68% नागरिकों ने और दक्षिण यूक्रेन के 83% लोगों ने साफ तौर पर कहा कि शांति के बदले यूक्रेन की जमीन रूस को किसी भी हाल में नहीं सौंपा जाना चाहिए। हिंदुस्तान मोटर्स भारत में आइकॉनिक कार रही एम्बेसडर कार दोबारा से वापसी कर सकती है। इस बार ये कार इलेक्ट्रिक वर्जन में दस्तक दे सकती है जिसके लिए फ्रांस ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ समझौता किया गया है। इसकी जानकारी टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में शेयर की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दो कंपनियों ने MOU पर ऑफिशियल पार्टनरशिप करके साइन किया है। यह एक इलेक्ट्रिक कार हो सकती है। नेपाल में तारा एयरलाइन के लापता होने की खबर आ रही है। जानकारी के अनुसार इसमें 22 लोग सवार थे। टीवी रिपोर्ट के अनुसार नेपाल की तारा एयरलाइन का प्लेन 1 घंटे से लापता है। इसमें 4 भारतीय सहित 22 लोग सवार थे। न्यूज एजेंसी ANI ने हवाई अड्डा अधिकारी के हवाले से खबर दी कि तारा एयर के 9 NAET जुड़वा इंजन वाले विमान में 19 यात्री सवार थे जो पोखरा से जोमसोम के लिए सुबह 9:55 पर उड़ान भरते देखे गए थे। विकास के पथ पर अग्रसर भारतीय रेलवे पंबन ब्रिज के साथ एक इंजीनियरिंग चमत्कार दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है। सबसे प्रतिष्ठित संरचनाओं में से एक के रूप में माने जाने वाला महान पंबन कैंटिलीवर पुल मुख्य रूप से मंडपम शहर को पंबन द्वीप पर रामेश्वरम से जोड़ता है। आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI ने देश के सभी नागरिकों को एक अलर्ट जारी किया है। पब्लिक कंप्यूटर से आधार डाउनलोड करने वाले नागरिकों के लिए जानना खासतौर पर जरूरी है कि वो अगर अपने आधार को डाउनलोड करने के लिए किसी सार्वजनिक या पब्लिक कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो उनको प्रिंट या फिर उसकी सॉफ्ट कॉपी लेने के बाद कंप्यूटर में स्थित आधार की कॉपी को डिलीट कर देना चाहिए। अब जल्दी ही राशन की दुकानों को ई मित्र केंद्रों से जोड़ने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। डीलरों की आय बढ़ाने और लोगों को नजदीकी राशन की दुकानों पर बैंकिंग दस्तावेज और अन्य सर्विस उपलब्ध कराने के मकसद से केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है। योजना के तहत प्रत्येक राशन डीलर की CSC ID खोली जाएगी और डीलर को VLE बनाया जाएगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भारत ना तो मेरा है, ना तो मोदी का है और ना ही शाह का। भारत अगर किसी का है तो वो द्रविड़ों और आदिवासियों का है। ओवैसी ने कहा है कि भारत तब बना जब यहाँ लोग अफ्रीका, ईरान, सेंट्रल एशिया और पूर्वी एशिया से आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत लाभ जारी करेंगे। कोरोना महामारी में अपने माता पिता को खो देने वाले स्कूली बच्चों को छात्रवृत्ति हस्तांतरित करेंगे। इस दौरान आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हेल्थ कार्ड की पासबुक बच्चों को सौंपी जाएगी। उन्होंने देश में तेजी से विकसित हो रही स्टार्टअप इंडस्ट्री चारधाम यात्रा के दौरान गंदगी और योग दिवस पर मन की बात की। PM मोदी ने कहा कि महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बेहतरीन काम कर रही है। वो तंजावुर डॉल समेत खिलौने और आर्टिफिशियल ज्वेलरी बना रही है। क्वाड और ऑक्स सुरक्षा समझौते से चिंतित चीन ने ऑस्ट्रेलिया और जापान को घेरने की तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए ड्रैगन हिंद प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के करीब स्थित 10 देशों के साथ सुरक्षा समझौता करने जा रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने सोलोमन द्वीप के साथ बेल्ट एंड रोड और सुरक्षा डील से शुरुआत भी कर दी है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने सोलोमन द्वीप की यात्रा को इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। तेलंगाना राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के विभिन्न पदों के लिए अस्थायी परीक्षा तारीख जारी कर दी है। कांस्टेबल और SI के पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट TSLPRB.IN पर जाकर एग्जाम स्केड्यूल चेक कर सकते हैं। ये भर्ती परीक्षा कांस्टेबल के 16,929 और SI के 587 रिक्तियों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी है तो आपके लिए जरूरी खबर है। 18 महीने से लटके पैसे का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट है। डीए एरियर को लेकर सरकार ने अपना पक्ष साफ किया है। दरअसल 18 महीने का डीए एरियर को सरकार ने अपने सभी एजेंडे में शामिल ही नहीं किया है, यानी इस पर अभी सरकार किसी तरह के फैसले के हक में नहीं है। बिहार के जमुई में भारत का सबसे बड़ा सोन का भंडार मिल गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार जमुई जिले में 37.6 टन खनिज युक्त अयस्क समेत लगभग 22.28 करोड़ टन सोने का भंडार मौजूद है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। बिहार सरकार ने जमुई जिले में देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार के अन्वेषण की अनुमति देने का फैसला किया है। भारतीय रेलवे का 114 साल पुराना प्रशासनिक ढांचा बदल गया है। 8 कैडरों का विलय कर एक सेवा भारतीय रेल मैनेजमेंट सर्विस बना दी गई है, यानी रेल अधिकारी मैनेजमेंट सर्विस के अधिकारी कहे जाएंगे। दावा है कि कैडरों के बीच 7 दशकों से चली आ रही लॉबिंग को एक झटके में समाप्त कर दिया गया है। रेलवे अब आधुनिकता की पटरी पर सरपट दौड़ेगी। दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी कोल इंडिया देश में बिजली संकट और कोयले की कमी को देखते हुए 7 साल बाद विदेश से आयात करने जा रही है। अप्रैल में कोयले की कमी के कारण हुए 6 साल में सबसे गंभीर बिजली संकट को देखते हुए सरकार ने कोयले का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने के लिए फैसला लिया है।
यूक्रेन में युद्ध और भड़कने के आसार है क्योंकि अमेरिका और सहयोगी देशों में यूक्रेन में भारी हथियारों की आपूर्ति शुरू हो गई है। यूक्रेन को अमेरिका में सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर तोप और डेनमार्क से हापुर्ण एंटी शिप मिसाइल मिलने की सूचना है। आपने अभी तक स्पेस एक्स का नाम नहीं सुना है। स्पेस एक्स मतलब ऐसा अंतरिक्ष यान जो अंतरिक्ष में जाकर अपना मिशन पूरा करे और फिर वापस धरती पर आ जाए, उसी अंतरिक्ष यान को दोबारा से इस्तेमाल किया जा सके। स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। उनके पास पैसा और संसाधनों की कोई कमी नहीं है। स्पेस एक्स अब तक कई एक्सपेरिमेंट कर चुका है लेकिन कामयाबी अभी तक नहीं मिली है। हाँ, ये संभावनाएं जरूर पैदा हुई है कि रिज्यूनेबल स्पेस व्हीकल बनाए जाने की करीब पहुंच चुके हैं। उतार चढ़ाव बढ़े सप्ताह के दौरान निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स दोनों में 1-1% की बढ़त दर्ज की गई है। इसके साथ ही बेंचमार्क इंडेक्स लगातार दूसरे सप्ताह मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब रहेगा। बाजार को बैंकिंग आईटी सेक्टर में खासा सपोर्ट मिला है। हालांकि रिकवरी से ब्रॉडर मार्केट अछूते रहे और निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 1% गिरावट के साथ बंद हुआ। यूक्रेन रूस युद्ध ने पूरी दुनिया में जिस तरह से एनर्जी उत्पादों की कीमतों को बढ़ाया, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था में गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने की तैयारी पर भी झटका लगता दिखाई दे रहा है। अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमत 22 से 24 डॉलर प्रति MMBTU यानी मिलियन मीट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट है, जो एक वर्ष पहले 6-7 डॉलर के स्तर पर थी। कई एजेंसियों ने कहा है कि प्रतिबंधों की वजह से रूस पूरी तरह से गैस की आपूर्ति वैश्विक बाजार में नहीं कर सकेगा, जिससे इसकी कीमतें ऊपरी स्तर पर बनी रहेगी। आने वाले दिनों में उत्तर मध्य रेलवे जोन नॉन सेफ्टी कैटेगरी के 10,000 से ज्यादा पदों को समाप्त करने जा रहा है। इसके तहत प्रयागराज, झांसी और आगरा मंडल में जिन पदों को सरेंडर किया जाना है, उसकी मुख्यालय स्तर पर सूची बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। बताया गया है कि मंगलवार 31 मई 2022 को सरेंडर किए जाने वाले पदों की सूची रेलवे बोर्ड को भेजी जाएगी। देश में बिजली की ज्यादा मांग के कारण सितंबर में खत्म होने वाली तिमाही के दौरान भारत को कोयले की भारी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। भारत में ऊर्जा क्षेत्र में कोयले के भंडारण में कमी और उससे पैदा हुई बिजली कटौती की खबरों की सुर्खियां चल रही थी कि एक और संकट सामने नजर आ रहा है। भारत को उम्मीद है कि मार्च 2023 को खत्म होने वाले साल में कोयले की मांग 784.6 मिलियन टन होगी, जो पहले के अनुमान से 3.3% अधिक है। पावर मिनिस्ट्री को दिए गए एक प्रेजेंटेशन में बिजली संकट को दर्शाया गया है। असंगठित क्षेत्रों से जुड़े लोगों को सबसे पहले इस बात की चिंता रहती है कि बढ़ती उम्र के साथ वो मेहनत मजदूरी नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में घर का खर्च कैसे चलेगा, इस बात की हर श्रमिक को चिंता रहती है। श्रमिकों की इस परेशानी को दूर करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने एक शान पेंशन योजना चलाई है। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इस योजना के जरिए कामगारों को हर महीने 60 वर्ष की उम्र के बाद 3,000 रुपए के पेंशन की सुविधा मिलती है। भारी भरकम पैकेज ऑफर करने के कारण युवाओं की ड्रीम जॉब की सूची में जगह बनाने वाली भारतीय स्टार्टअप ने हजारों युवा कर्मचारियों को कॉस्ट कटिंग और रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पर एक झटके में बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इनमें से अधिकतर कर्मचारी स्टार्टअप्स द्वारा ऑफर किए जा रहे शानदार पैकेज के कारण अपनी अच्छी खासी स्थित नौकरी छोड़कर स्टार्टअप के हिस्सा बन गए थे। कोविड काल में देश में स्टार्टअप का बुलबुला कुछ ज्यादा ही तेजी से उभरा था। भारतीय सेना में नौकरी या फिर रक्षा मंत्रालय के अधीन भर्ती के मौके का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है। रक्षा मंत्रालय के अधीन 36 फील्ड एम्यूनिशन डिपो पिन 9000484 CO56 APO में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। सेना द्वारा रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार मटेरियल असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, फायरमैन, ट्रेड्समैन, मेट और MTS और ड्राफ्ट्समैन के कुल मिलाकर 383 पदों पर भर्ती की जानी है। जमीयत उलेमा ए हिंद के दूसरे दिन के सम्मेलन में प्रस्ताव पास किया गया कि मुस्लिम ज्ञान व्यापी मस्जिद और मथुरा के ईदगाह का दावा नहीं छोड़ेंगे। दूसरे दिन की वर्किंग कमेटी की बैठक में यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव हाफिज उबेद उल्लाह ने पेश किया है, जिसका समर्थन दाउल उलूब के नायाब मोहतमिम मुफ्ती राशिद आजमी समेत सम्मेलन में शामिल लोगों ने किया। प्रस्ताव में प्राचीन इबादतगाहों को लेकर के बार बार विवाद खड़े किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान तबीयत बिगड़ने के कारण परेशान है। उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी तक मिल रही जानकारी के अनुसार उन्हें सांस लेने में तकलीफ है। लंबे समय के बाद जेल से छूटे आजम खान की तबीयत शनिवार देर रात खराब हो गई। इसके बाद उनके परिवार के सदस्यों ने उन्हें दिल्ली लाया। करीब रात 3 बजे उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मॉनसून को लेकर मौसम विभाग का अनुमान सटीक साबित हुआ है। आज 29 मई को मॉनसून ने केरल में एंट्री ले ली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक सामान्य समय से 3 दिन पहले ही मॉनसून ने केरल में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के मुताबिक अब आने वाले दिनों में केरल के बाकी इलाके के साथ साथ तटीय कर्नाटक और महाराष्ट्र में मॉनसून का सिस्टम आगे बढ़ेगा। कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ने वाला रेलवे नेटवर्क प्रोजेक्ट अब जल्द ही पूरा होने वाला है। इस प्रोजेक्ट के तहत कुतुब मीनार से भी ज्यादा ऊंचाई पर बने प्लेटफॉर्म पर ट्रैक और ट्रेन जल्द ही अपने आप में वैज्ञानिक उपलब्धि से कम नहीं होगा। देश में अन्य हिस्सों में भी कश्मीर तक जल्द से जल्द रेल पहुंचाने के लिए रेलवे पूरी कोशिश कर रहा है। रेलवे ने श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना को पूरा करने का डेडलाइन अप्रैल 2023 निर्धारित किया है।
केंद्र सरकार जल्द विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की आपूर्ति के लिए एक साझा पोर्टल जनसमर्थ शुरू करने जा रही है। सरकार का मानना है कि इस साझा पोर्टल से आम लोगों के जीवन को सुगम किया जा सकेगा। सूत्रों ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के दृष्टिकोण के अनुरूप नए पोर्टल पर शुरुआत में सरकार की ऋण से जुड़ी 15 योजनाओं को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को घोषणा की कि सितंबर में हर महीने लगभग 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। राष्ट्रीय रेलवे पुरस्कार समारोह के दौरान वैष्णव ने कहा कि हमने वैश्विक मानकों के अनुरूप रेलवे को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लिया है। सितंबर में हर महीने 4 से 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। बुलेट ट्रेन के लिए भी काम किया जा रहा है। आज गुजरात और राजस्थान के बीच में खेले जाने वाले मुकाबले के पहले ही सुरेश राणा ने अपना प्रेडिक्शन जारी किया है। उन्होंने कहा कि इस बार गुजरात का पर्रा ज्यादा भारी लग रहा है, गुजरात राजस्थान से थोड़ी बेहतर टीम है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है सुमन सौरभ यादव, नुनू कुमार, कुश कुमार यादव, राहुल यदुवंशी, मिंटू कुमार, जितेंद्र ठाकुर, कुणाल कुमार, आशिक एंटरटेनमेंट, अखिलेश यादव। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश भर में कोरोना की रोकथाम को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से किए गए प्रयासों से आप संतुष्ट है या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।